ओके, 3 क्लास। तो पीछे हमने क्या पढ़ा है, कॉलम पढ़े हैं और एमसीक्यूज पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के लेसन में हमने ये डायग्राम देखनी है। ये डायग्राम आपकी असाइनमेंट है, आपने इसे लेबल करना है, सिस्टम्स के नाम लिखने हैं, ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं। आपकी बुक में ये दिए गए होंगे चैप्टर में, ठीक है। तो आप इसे खुद ही सॉल्व करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। आप इनके नेम राइट करेंगे, उनको स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पजल है, जिसको हमने हमने वर्ड्स बनाने हैं, फाइंड करना है वर्ड्स को और उनको स्क्वायर में लेबल करना है, ठीक है। अब हमारे पास पहला पहला वर्ड बन रहा है आइस, EYES, आइस, ठीक है। आंखों को कहते हैं, हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लेबल कर दिया। उसके बाद है किडनीज, KIDNEYS, ठीक है। किसे कहते हैं, गुर्दे को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है MUSCLE, मसल, किसे कहते हैं, पट्ठे को कहते हैं। उसके बाद है NERVE, नर्व, ठीक है। ये नसों को कहते हैं, ठीक है, रगों को कहते हैं, नस भी कहते हैं, इसे रग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लंग्स, LUNGS, लंग्स, किसे कहते हैं, फेफड़ों को कहते हैं, सांस लेने के अमल में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए HEART, हार्ट, ये किसे कहते हैं, दिल को कहते हैं, जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। उसके बाद और वर्ड हमने फाइंड किया NOSE, नोज, ये नाक को कहते हैं, सांस लेने के अमल में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है SKIN, स्किन, ये किसे कहते हैं, जिल्द को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है STOMACH, ये किसे कहते हैं, मैदे को कहते हैं, स्टमक, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करता है।